हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन मुझे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात कहनी है। एक तो ये कि वीडियोस का कंटिन्यू ना आने का रीज़न है माइक का अवेलेबल ना होना। मैं बोलती जाऊँ तुम्हारे तक आवाज़ नहीं आए, तो विदाउट माइक क्या हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये इतना ईजिली अवेलेबल भी नहीं हो रहा। मैंने खुद बहुत सारी शॉप से ट्राई किया है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि सबने पता नहीं क्या लॉकडाउन से पहले सारे ही माइक सेल कर दिए थे जो कहीं पर अवेलेबल ही नहीं हो रहे। इसलिए वीडियोस को क्या किया, अब रेगुलर ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो चलती रहेंगी वीडियोस। तो फिर ये होगा कि बस तुम्हारा भी कंटिन्यू बना रहे, तो अल्टरनेट डेज़ में क्या मिलती रहेगी, तुम्हें वीडियो मिलती रहेगी। ऐसा भी हो जाए कभी कि दो दिन का गैप पड़ जाए, लेकिन जब तक माइक अवेलेबल नहीं होगा तो रेगुलर वीडियो यानी कि पर डे वीडियो तो नहीं आएगी। तो जैसे अगर आज वीडियो आ गई तो 100% कल तो नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद क्या था, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन से देखने से मुझे पता लगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और ये तब पता लगा जब उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा होता है कि मैं बोल तो सही देती हूँ लेकिन लिखते वक्त क्या हो गया था, कुछ गलत लिख दिया था। तो एक तो उस बच्चे ने मुझे कमेंट करके लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छे से तुम पढ़ रहे हो और वो तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तो एक जो मिस्टेक हो गई थी लास्ट टाइम पे, उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, या फिर जो तुम्हारे डाउट थे वो भी आज मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है। तो देखो, एक तो ये था कि जो मैंने लास्ट ये बनाया था ऐसे करके, ये मेटल और ऑक्टाहेड्रल बनाया था, उसमें मैंने यहाँ पर सिस के बहुत सारी कंडीशन बताई थी और यहाँ बताई थी ट्रांस की कंडीशन। इसके बाद ये था 1, 2, 2, 3 और ये 4, ऐसे था। तो मैंने क्या लिखा था वहाँ पर, ऐसे लिखा था कि ये 1, 2 कौन सी होगी, 6 होगी। 2 और 3 भी क्या होनी है, 2 और 3 भी क्या होनी है, 6 होनी है। तो वो एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ वाले में सेकंड वाले में कुछ मिस्टेक था, ऐसे नहीं, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या था यहाँ पर, 6 था। हाँ ये ठीक है। तो कौन कौन सी सिस होनी है, 1, 3 सिस होनी है एक तो, है ना। इसके बाद क्या था, 3 और 4 वाली क्या होगी, 6 होगी। तो ये 3 है और 3 और 4 वाली क्या होगी, 6 होगी। बाय मिस्टेक वहाँ पर क्या लिख गया, बाय मिस्टेक वहाँ पर लिख गया 1, 4। तो 1, 4 तो क्या होनी है, ट्रांस होनी है। वैसे भी तुम एक बात नोटिस करो कि ट्रांस मैंने नीचे भी लिख दिया था, तो ट्रांस 1, 4 तो क्या है, 180 है ना। ये वाला 180 ऐसे, ये 1, ये 4 सेंटर में मेटल है ऐसे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो 1, 4 तो क्या होना है, ट्रांस होना है। तो यहाँ पर 1, 4 मिस्टेक हो गई कि क्या आना था, 3, 4 आना था, ठीक है। तो एक करेक्शन तो ये था। इसके बाद एक डाउट और था, जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा था उसी ने ये करेक्शन करवाया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, एक मिस्टेक और क्या थी, मिस्टेक नहीं थी वो डाउट था। डाउट था कि हमने ये पढ़ा था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में हमने क्या देखा था, एक एग्जांपल लिखा था। राइट नाउ वो एग्जांपल क्या मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं कोई सा भी एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। इसको देखो, तो अभी मुझे वो वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं है कि वो एग्ज़ाम्पल क्या था। ये Ni(H2O)4। इसमें मैंने कहा था कि लिगेंड एक्सचेंज होगा, ये Cl यहाँ जाएगा Ni(Cl)4 ऐसे ही था, और ये वाला H2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा PtCl4। PtCl तो वहाँ चला गया, यहाँ पे क्या आएगा, H2O(4)। अब इसके बाद देखो, इतना हमने कर लिया था, लिगेंड एक्सचेंज हो गया था, ये यहाँ गया था। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इसको हम देखो, ये क्या हुआ था, जो Cl पहले Pt के पास था, अब वो Cl किसके पास चला गया, Ni के पास चला गया। जो H2O पहले Ni के पास था, वही H2O बाद में किसके पास चला गया, Pt के पास चला गया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं लिगेंड एक्सचेंज। एक का लिगेंड दूसरे के पास और दूसरे का लिगेंड पहले वाले के पास। तो क्वेश्चन ये था कि इसे हम मेटल एक्सचेंज नहीं बोल सकते, तो बोल मेटल एक्सचेंज भी तो हो सकता है कि Ni के पास क्या था, H2O। अब ये Ni किसके पास चला गया, Cl के पास चला गया, है ना। और ये Pt है, तो Pt क्या हो गया, H2O के साथ चला गया। मेटल एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं बोल सकते,
लेकिन जो अपने एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग या फिर ज़्यादातर बुक्स में क्या करते हैं कि सेंटर में कौन रहता है, मेटल रहता है ना, तो जो सेंटर में रहेगा वो तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। पोजीशन चेंज करने वाला कौन है, लिगेंड ही होगा जो सराउंडिंग में होते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कहाँ पर होगी, सेंटर वाले के पास, तो बाद में होगी सराउंडिंग वाले के पास होगी, तो क्या होगा इसे हमने क्या बोल दिया, लिगेंड एक्सचेंज। इन शॉर्ट ये याद रखो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर जितनी भी बुक्स तुम देखोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, लिगेंड एक्सचेंज, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटल एक्सचेंज, लेकिन वो कहीं पर नेमिंग नहीं दी गई है तो इसलिए हम लिखते भी नहीं है। ये नीचे दिख नहीं रहा तुम्हें, ऐसे है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी कौन सी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो एक बार इसको डायग्राम को ड्रॉ तुम बाद में करना, पहले समझ लो एक बार। देखो ऑप्टिकल है ना, तो ऑप्टिकल का मतलब किससे होता है, ऑप्टिकल वर्ड मीन्स लाइट, हम ऐसे समझ सकते हैं। ऑप्टिकल का मतलब किससे होता है, लाइट से होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम किसको देखने वाले, किसकी स्टडी करने वाले, एक तो लाइट की, और आइसोमर की बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे, और वो भी ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। तो इन शॉर्ट बात करें यहाँ पर हमें किस किस से मतलब है, एक तो हमें कंपाउंड से मतलब है जिनका विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा लाइट से। 100% कंपाउंड और लाइट के बीच में क्या होने वाला है, इंट्रैक्शन होने वाला है। किस किस के बीच में होगा, कंपाउंड एंड सेकेंड थिंग इज लाइट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लाइट ही लिखा है। ये लाइट क्या है, सनलाइट समझ लो, क्योंकि सनलाइट क्या होगा, सभी डायरेक्शन में जाएगी। या फिर ऐसे समझ लो जो अपने पास सोर्स होते हैं, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उसकी जो रेडिएशन होंगी वो सभी डायरेक्शन में जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइट। इस लाइट को हमने कहाँ से पास किया है, देखो सेकेंड जो है उस क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म लिखा हुआ है, इससे पास किया। जैसे ही तुम इसको लाइट को यहाँ से पास करोगे तो क्या होता है, इस निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद जो लाइट होती है वो सब एक ही प्लेन में आ जाती है। एक ही प्लेन का मतलब क्या हुआ, अभी ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब यहाँ देखो ये सारी ऐसे हैं रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, पैरेलल है, एक ही प्लेन में है, ऐसे है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन क्या बोलते हैं, PPL। तो जब भी अपने पास क्या आएगा, ये वर्ड आएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हम इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PPL। एक बार दोबारा समझें कि होता क्या है, जो सनलाइट होती है या फिर सोर्स ऑफ लाइट होती है उसकी जो रेडिएशंस हैं वो सभी डायरेक्शन में जाएंगी, सभी तरफ जाएंगी ना। जैसे ही हमने उसको निकोल प्रिज्म से पास किया, अब देखो तुम खुद देखो इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, है ना डिफरेंस। जो थर्ड नंबर पर है PPL, उसमें क्या हो रहा है, सबकी ये सब पैरेलल है, पैरेलल है, ऐसे है। तो ये क्या हो गया कि एक ही प्लेन में है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, PPL, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इस PPL को हमने कहाँ से पास कर दिया, ये जो पोलेरोमीटर है वहाँ से पास किया। ये वाली लाइट है ना, इस लाइट को हमने यहाँ से पास किया इसमें, पोलेरोमीटर। ये क्या होती है पोलेरोमीटर, अ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, कांच की बनी हुई होती है, और इस ग्लास ट्यूब में अंदर जो रखा हुआ है ये क्या है, कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, इसकी नेमिंग क्या है, इसको मैं बाद में बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखो इसमें कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब वो कंपाउंड है, और हम क्या पास कर रहे हैं वहाँ पे, लाइट पास कर रहे हैं। ये तो क्या है, कंपाउंड रखा हुआ अंदर, और यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं, ऐसे होगा। तो ये जो लाइट है और कंपाउंड है दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। या ऐसे मान लो कि कंपाउंड लाइट को रिएक्ट, लाइट से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी। जब लाइट अंदर जा रही है और कंपाउंड यहाँ बैठा है, तो लाइट जो अंदर गई वो कंपाउंड से कोई ना कोई रिएक्शन तो करेगा। मान लेते हैं कि कुछ रिएक्शन हो गई, उसके बाद ही लाइट बाहर निकली, ये बाहर आ गई। जो ये लाइट बाहर आ रही है ना, वो लाइट क्या करती है, यहाँ पर रखा होता है एंगल मेजरमेंट, जो एंगल को मेजर करता है, ऑप्टिकल रोटेटर बोलते हैं। अच्छा क्या बोलते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, सिर्फ इतना समझो कि हो क्या रहा है। अब ये लाइट कहाँ गई, बाहर आई। तो लाइट के बाहर आने के बाद क्या होगा, लाइट के बाहर आने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो लाइट होती है ना, वो इस एंगल को, यहाँ पर एंगल मेजरमेंट होता है, इसको या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देती है। लाइट ऐसे ही थी पहले, ये ऐसी तो है लाइट, ये नहीं,
ये कहाँ चली गई, ऐसे टर्न हो गई, तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। इस तरह से जा रही है, ये तो कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। और अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, यूँ जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार दोबारा देखो, अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज जा रही है ना। और अगर ये ऐसे जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो कंपाउंड होता है, ये वाला कंपाउंड, इफ द कंपाउंड रोटेट्स लाइट, पीपीएल लाइट, अगर ये कंपाउंड इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली, ऑप्टिकल मतलब लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अगर ये कंपाउंड लाइट अंदर गई, तो कंपाउंड ने क्या किया, लाइट के साथ इंटरेक्शन हुआ। अब लाइट के साथ इंटरेक्शन, सपोज करो कुछ उसने पार्ट क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी का कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद हमने क्या देखा कि वो लाइट क्या करती है, रोटेट करती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसने किया, लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया किसने, कंपाउंड ने। ठीक है, और लाइट को हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रिलेशन क्या है, कैसे है। अब देखो इसके बाद, अगर हमारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे सपोज ये आ जाए, ये लिखा हुआ है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज में शो करेगा या फिर नहीं करेगा। प्रैक्टिकल में तो जब हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हम ऐसे तो प्रैक्टिकल करने से रहे वहाँ पर, क्योंकि हमें तो वहाँ पर रिटर्न वर्क करना होता है, तो इसका मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटेड है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल कुछ और देखना पड़ेगा कि जिससे हम इजीली फाइंड कर लें। तो उसके लिए क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया। अब वो सेकंड मेथड क्या था, देखो उसको देखते हैं अपन, सेकंड मेथड को, इसको लिखना भी है ना, तो चलो मैं बोल देती हूँ, तुम एक बार जल्दी नोट कर लो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज में डायग्राम बना लेना, और डायग्राम को फेयर कर देते हैं, एक सेकंड रुको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप देखते जाओ। दोज कॉम्प्लेक्सेस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवार्ड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो कंपाउंड रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आप देखो, आप एक बार समझ लेते, एक बार ये भी लिख लो, इफ द कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो हम क्या बोल देते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ब्रैकेट में कर देना ऐसे, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ द कंपाउंड रोटेट पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी। इसे किसे शो करेंगे, माइनर, इसे स्मॉल डी से भी शो करते हैं, इसे स्मॉल एल से भी शो करते हैं। ठीक है, तो डेक्सो रोटेटरी में क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, स्मॉल डी से शो करते हैं, प्लस से करते हैं, लीवोरोटेटरी में स्मॉल एल से शो करते हैं, या फिर नेगेटिव सिंबल से। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, अब हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ रखेंगे मिरर, ये जो सिंबल है ऐसे,
ये किसका सिंबल है? मिरर का सिंबल है। हमने क्या रख दिया? मिरर रख दिया। अब जब भी हम मिरर रखेंगे तो उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। 100% किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में मिरर रखोगे तो इमेज तो बनेगी। एक ही इमेज बनाओ, कैसे बनेगी? एक ही इमेज ऐसे बनेगी, बिल्कुल सेम, यही तो बनना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, तुम सिमिलर बनाना। ये ए है, इसके आगे हमने रखा मिरर, और ये क्या बनी? इसकी इमेज। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करोगे? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक के आगे हम मिरर रखेंगे तो ये बनेगा, इसके आगे हम मिरर रख दें तो ये बनेगा। तो पहली पॉइंट अपन क्या रखेंगे? यहाँ लिखेंगे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ लिखा हमने मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है तुम्हें? जो ये ए है, इस ए को एज इट इज, जैसे ही रखा हुआ है, सपोज ये ऐसे रखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? इसको इसी कंडीशन में रखो, इसके ऊपर। ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे टर्न मत करो। जैसे ये रखा हुआ है ना, उसको ऐसे ही कहाँ रखोगे? इसके ऊपर रखो। ये रखा हमने यहाँ पर ए, ये उठाया ऐसे, और ये बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर रख दिया। तो तुम ये बताओ, जैसे ही तुमने इसको उठाकर इसके ऊपर रखा, तो ये क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट वाला है या सेकेंड वाला है, वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। ए के जस्ट ऊपर ए ही आएगा, ऐसे आएगा ना। देखो ये ए है, और इसके ऊपर भी ए रखा, तो ये ए, जैसे आप इसको देखो, ऐसे ही आएगा, और ये वाला ये आएगा। तो ये इसको क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप को हम यहाँ पे बोलेंगे सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब एक ने दूसरे को कम्प्लीटली क्या कर लिया? ढक लिया। तो इसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को ढक लेंगे ये। इसके बाद अगर ये दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट वाला है, ये कौन सा हो गया? दूसरा वाला। दोनों कैसे हैं? सेम ही तो हैं। एक ने दूसरे को ढक लिया, पूरा कंप्लीट कवर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए के ऊपर ए को रखो तो पीछे वाला ए दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कैसे हैं? एग्जैक्ट सेम है। और जो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल नॉट शो। तो इसका मतलब ये कैसे हो गए? दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब क्या करती हूँ मैं, यहाँ से एक ही प्लेस पर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये लिया मैंने एच। अब एच के आगे क्या रखा? मिरर रख दिया। तो मिरर रखा तो यही वाला एच बनेगा, सेम ही बनेगा मिरर रखेंगे तो। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला एच रखा तो इसकी मिरर ये बन गई। ठीक है, इस एच के आगे मिरर रखोगे तो ये बनेगा, इसके आगे रखेंगे तो ये बनेगा। तो ये क्या? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इतना काम तो हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इसको उठाओ यहाँ से, जैसे रखा हुआ वैसे, और इसको कहाँ रखोगे? इसके ऊपर। इतना कर लिया। अब तुम जैसे ही इसको एच को इसके ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा? जो पीछे वाला एच है वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ओवरलैप हो गया, कम्प्लीटली ओवरलैप हो गया। ओवरलैप को अपन क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजेबल। एक ने दूसरे को ढक लिया, यानी कि क्या हो गया? सुपर इम्पोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंपाउंड कैसे हैं? सेम ही है, दोनों सेम हैं। तो ये लाइट को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ना ही एंटी क्लॉकवाइज, कहीं रोटेट नहीं करने वाला। और जब ये रोटेट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो एग्जांपल हो गए। अब एक एग्जांपल और करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें करके देखना है, ठीक है? तो यहाँ लिखा मैंने, अब नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखा, बी लिखते हैं, बी नहीं, बी लिखते हैं। ये लिखा मैंने यहाँ पर डी। अब तुम्हें क्या करना है? इसकी बनाओ मिरर इमेज। जब इसकी मिरर इमेज बनाओगी तो ये ऐसे है। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? ऐसी तो बनती है, ठीक है। अब ये बताओ, छोटा बड़ा बन गया तो तुम इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद मिरर इमेज है, इस डी के आगे रखोगे तो ये बनेगा, इस डी के आगे रखोगे तो ये बनेगा, है ना? मिरर इमेज तो है, मिरर इमेज तो बननी ही बननी है। किसी के आगे भी तुम मिरर रखोगे तो वो इमेज बनेगी बनेगी। इसके बाद इसको उठाओ, इस डी को उठा लिया ऐसे, और इसको जैसे ये रखा हुआ है ऐसे उठाकर इसके ऊपर रखो, ठीक है। मैं देखूँ यहाँ पे, ये डी है ना, सपोज ये डी ऐसे, इस डी को मैंने उठाया
और इसके ऊपर रखा तो क्या होगा, देखो मैं इस डी को उठा के इसके ऊपर रखूँ तो ये ऐसे रहेगा ये वाला, और ये इसको जैसे रखा हुआ है ना बिल्कुल सेम, रोटेट ऐसे मत कर दो, घुमाओ मत इसको, ऐसे करना है। ये रखा हुआ है और इसके कहाँ रख दिया, ऊपर। तो ये बताओ ये वाला और ये वाला डी सेम है क्या? नहीं है ना। क्या ये रोटेट होंगे, क्या ये ओवरलैप होंगे? इस डी को इसके ऊपर रखोगे तो ओवरलैप होगा क्या? ओवरलैप नहीं होगा। अच्छे से देखो तुम्हें क्या करना है, यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पोजिबल वाला। इस डी को तुम्हें ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं करना है, इस डी को तुम्हें जैसे ही रखा हुआ है ना ऐसे ही रखना है। तो तुम देखो ये ऐसा डी बनेगा, बिल्कुल सेम यही रख दो। अब ये और ये सेम है, नहीं है ना सेम, नहीं है सेम, इसका मतलब क्या हो गया, ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप नहीं होगा तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज तो है लेकिन क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरेज में क्या करेंगे, शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरेज में विल शो, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्ट। ठीक है, मिरर इमेज तो हर किसी की आएगी, वो तो सेम पॉइंट रहेगा, सिर्फ चेंज कौन से होने, नीचे वाले। इसके बाद एक काम करते हैं, तीन एग्जांपल, वो तुम खुद ट्राई करना, और नहीं तो अपन डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये तीनों ट्राई करना, अगर ये तीनों आ गए तो ऑप्टिकल आइसोमेरेज में क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इनको ट्राई करके देखना खुद को, इनमें से कौन ऐसा है जो, मिरर इमेज तो सबकी बनेगी, इनमें से कौन ऐसा है जो ओवरलैप होगा, कौन ऐसा है जो ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, जो ओवरलैप हो जाएगा, हो गया इसका मतलब सेम सेम है, दोनों सेम है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरेज में शो नहीं करेगा। ओवरलैप नहीं होगा, नहीं होगा इसका मतलब दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरेज में शो करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे विद द आर कोऑर्डिनेशन एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल के साथ। दैट्स ऑल।